अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद दुआ। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में चीजी चिकन पफ्स, और उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है चलिए वो देखते हैं। 1 कप चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड, इसमें मैंने नमक डाल के इसको बॉइल कर दिया। 1/2 कप कॉर्न, 1/2 कप अनियन डाइस्ड किया हुआ, और 1/4 कप हमने ली है चीज श्रेड की हुई, और क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट 1/2 टीस्पून, सिरका 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज 2 to 3, इनको हमने चॉप कर लिया है। और ये रेडी रोल पफ पेस्ट्री है, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं अब इस जी व्यूअर्स, चिकन में हमने सब चीजों को डाल के, वेजिटेबल्स को और सब मसालों को डाल के इसको सौते कर लिया है। अब इसको ठंडा करते हैं और आपको बताते हैं इसको क्या करना। जी व्यूअर्स, स्टफिंग को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है, और ये पफ पेस्ट्री का हमने एक रेक्टेंगल कट किया है। अब इसमें हम ये 2 टेबल स्पून के करीब स्टफिंग जो सी है वो फिल करेंगे, और इसमें थोड़ी सी चीज डालेंगे। जितनी चीज होगी उतना ये चीजी बनेगा। अब हम इसकी साइड्स को एक फोक की मदद से अच्छी तरह से सील कर देंगे, और ये बड़ा नाइस सा इसके ऊपर एक पैटर्न भी बन जाएगा। 3 साइड को इसकी हमने सील करना है। सील करने के बाद इसको हमने प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे गैस मार्क 6 पे बेक करना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो चलिए आपको इसके बाद दिखाते हैं इसको क्या करना है। जी व्यूअर्स, चीजी चिकन पफ्स को मैंने बेक किया है 10 to 15 मिनट्स के लिए, और ये रेडी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।